तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी चैनल एजुकेशनल स्टडीज़ में। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है एटॉम, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियस। चैनल का मेन पर्पस है आपको साइंस और फिजिक्स और 8 to 12 तक की सभी साइंस की जो प्रिंसिपल्स लो है और जो साइंस में है वो सब के बारे में आपको नॉलेज देना और आपकी नॉलेज पावर को बढ़ाना। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली मेरी सभी नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके और आपको साइंस की नॉलेज मिल सके। सो शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो ऑन न्यूक्लियस, एटॉम एंड मॉलिक्यूल। तो शुरू करते हैं एटम से। सो एटम क्या होता है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट फॉर्म्स अ केमिकल एलिमेंट। यानी कि कोई भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसे हम कहेंगे एटम। यानी कि एटम कोई भी मैटर का सबसे अंतिम यूनिट यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अगर हिंदी में कहें तो एटम यानी कि परमाणु द्रव्य का वो भाग है जो कि द्रव्य का सबसे सूक्ष्म भाग है, सबसे छोटा यूनिट होता है, उसे हम कहते हैं एटम यानी कि परमाणु। सो एवरी सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ नेचुरल और आयोनाइज एटम्स। यानी कि जो सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा होती है, कोई घन पदार्थ होता है, द्रव्यमान पदार्थ होता है, गैस होता है और प्लाज्मा, वो सब नेचुरल और आयोनाइज एटम से बने होते हैं। यानी कि इस यूनिवर्स में जितने भी मैटर्स हैं वो सब एटम्स के बने होते हैं। अब बात करते हैं एटम्स की साइज कितनी होती है। सो एटम्स साइज इज वेरी स्मॉल, अराउंड 100 picometers। यानी कि एटम की साइज बहुत ही छोटी सूक्ष्म होती है, अराउंड 100 picometers। अब बात करते हैं विच कंपोनेंट्स इन एटम्स, यानी कि एटम्स किससे बने होते हैं। सो कंपोनेंट्स इन एटम्स आर इलेक्ट्रॉन एंड कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं और उनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा कि न्यूक्लियस क्या है, तो आगे हम जानते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। सो यहाँ पर से हमें जानकारी मिलती है कि बेसिकली एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं। अब बात करते हैं विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एटम हैज़। यानी कि एटम होता है उसमें किस टाइप का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। सो एटम्स हैज़ जीरो और न्यूट्रल और आयन चार्ज। यानी कि एटम्स में किस टाइप का चार्ज होगा वो डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। अब बात करते हैं विच इज एग्जाम्पल्स ऑफ एटम्स। सो एटम्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं। सो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिए जिसमें पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है कैल्शियम और तीसरा है आयन। सो ये सब हुए एटम्स के एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे मैंने आपको हाइड्रोजन एटम होता है उसका स्ट्रक्चर या फिर वो कैसा होता है वो बताया है। सो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है हाइड्रोजन एटम। और उसके बीच में जो प्रोटॉन है वही हो गया उसका न्यूक्लियस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में होते हैं। सो अब बात करते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। सो द न्यूक्लियस इज द सेंटर पार्ट ऑफ द एटम, इट कंटेन्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इट कंटेन ऑल ऑफ द एटम्स मास। यानी कि जो सेंटर पार्ट होता है कोई भी एटम का उसे हम कहेंगे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस यानी कि सेंटर में क्या होता है, हमें पता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। यानी कि कोई भी एटम होगा उसका जो सेंटर वाला पार्ट है उसे हम कहेंगे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो एटम होता है उसका सभी मास उसमें होता है। यानी कि न्यूक्लियस कंटेन करता है एटम का सभी मास। यानी कि आप कोई भी एटम ले उसका जो मास होगा वो उसके न्यूक्लियस में होगा। यहाँ पे मैंने आपको एक न्यूक्लियस बताया है एक एटम लेके। सो एक एटम में
उसके सेंटर यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर की साइड में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो जो सेंटर पार्ट होता है कोई भी एटम का, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब बात करते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। सो मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, यानी कि अगर टू और उससे ज़्यादा अगर एटम्स अटैच होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल इट कैन बी डिवाइडेड, यानी कि मॉलिक्यूल को हम डिवाइड कर सकते हैं बट एटम्स होते हैं उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। और मॉलिक्यूल इट कंटेन्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि वो कोई भी सब्सटेंट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी वो उसके मॉलिक्यूल पर आधार रखती है, यानी कि उसके मॉलिक्यूल से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं मॉलिक्यूल के। सो मॉलिक्यूल का फर्स्ट एग्जांपल है नाइट्रोजन N2 और सेकंड है NaCl सॉल्ट। सो यहाँ पे मॉलिक्यूल आर डिवाइडेड। सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है NaCl का। सो NaCl को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें टू एटम्स मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट है Na+ और दूसरा है क्लोरीन यानी कि Cl-। सो हम मॉलिक्यूल को डिवाइड कर सकते हैं एटम्स में। अब यहाँ पे Na+ यानी कि सोडियम प्लस और Cl- यानी कि क्लोरीन माइनस जो एटम्स है वो कैसे आए वो हमें पता चलेगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जिसको आप मेरे आगे आने वाली सभी वीडियो से जान सकते हैं, जो कि होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन पर। सो वो सब जानने के लिए बने रहिए मेरी चैनल एजुकेशनल स्टडीज़ पर। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा या फिर उस पर नया वीडियो बना के दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।